नमस्कार दोस्तों, लाइव से यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले, आपके पास कोई घर या प्लाट होगा, कोई खाली जमीन होगी, तो उसका आप रजिस्ट्री कैसे देख सकते हो, कैसे बैनामा उसका देख सकते हो, उसकी कैसे पूरी डिटेल देख सकते हो, आपके नाम पर है उसके, उसमें कितने स्टैंप लगे हुए, आपने किस तरह से रजिस्ट्री की है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि कैसे आप उसको निकाल सकते हो और सारी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऑनलाइन मनी इंटरनेट टेक्नोलॉजी अपना से ढेर सारे वीडियो डालते रहते हैं। तो आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से अपने घर का या अपने जमीन का प्लाट का कैसे आप रजिस्ट्री निकाल सकते हो, कैसे उसका बेमाना निकाल सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, गूगल ओपन करना होगा और गूगल ओपन करने के बाद उसमें आपको सर्च करना होगा IGRS और UP, जो भी आपका स्टेट है उसके आगे IGRS लगाकर अपना स्टेट का यहाँ पर नाम डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपके सामने उसकी एक लिंक ओपन हो जाएगी। उसकी लिंक ओपन इस तरह से होगी कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप IGRS डालते हो और उसके बाद अपना स्टेट का नाम डालते हो तो इस तरह से उसकी लिंक ओपन होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको सभी जितने भी आप जो भी स्टेट में रहते हैं उसी को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम आपको कुछ स्टेट के दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक पंजीकरण एवं स्टैंप विभाग, उसके बाद देखिए इसके इस पर भी है पंजीकरण एवं स्टैंप विभाग मध्य प्रदेश, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी है रजिस्ट्रेशन स्टैंप डिपार्टमेंट तेलंगाना, उसके बाद देखिए यहाँ पर नोंदनी व मुद्रा विभाग महाराष्ट्र। ये बहुत ही जितने जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट के ऐसे आपको निकालना होगा। उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग इसमें दिखना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या कर लेना होगा, नागरिक ऑनलाइन सेवाएं, आपके लिए ऑनलाइन सेवाएं में जाना होगा तो कौन सी आपके लिए ऑनलाइन सेवाएं वो देख लेना होगा। तो यहाँ पर आपको इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऑनलाइन सेवा ग्राहक को मिलती है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अपनी रजिस्ट्री है उसको निकालने के लिए यहाँ पर संपत्ति पंजीकरण दिखाई दे रहा होगा, तो उसके नीचे आपको यहाँ पर आवेदन करें और संपत्ति खोजे इस पर आपको क्लिक करने कर लेना होगा। तो चलिए हम संपत्ति खोजे पर क्लिक कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों जैसे आप संपत्ति खोजे पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर दो तरह से आप अपना रजिस्टर निकाल सकते हैं, अपनी संपत्ति खोज सकते हैं। तो उसके लिए आपको संपत्ति का पता या पंजीकरण संख्या एवं वर्ष यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पता होगा तो आप पता डाल दीजिए। तो हमारे पास पंजीकरण संख्या एवं वर्ष है तो हम यहाँ पर इसे क्लिक कर देते हैं और चयन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको निम्नलिखित कार्यालय, मतलब आपका जो संपत्ति का कार्यालय वो कौन सा कार्यालय उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपनी पंजीकरण संख्या डाल दीजिए, जो भी आपने रजिस्ट्री पर आई होगी उस पर आप देखकर अपनी पंजीकरण संख्या डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम एक पंजीकरण संख्या डाल देते और उसके बाद जिस भी साल आपने पंजीकरण किया था उस साल की आपको यहाँ पर उस साल का वर्ष यहाँ पर डालना होगा, वो कौन से साल में आपने संपत्ति रजिस्ट्रेशन की थी। तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर विवरण देखे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप विवरण देखे पर क्लिक करते हो तो ये न्यू पेज पर फिर से एक बार ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इसके आपका जो भी संपत्ति है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पंजीकरण वर्ष, पंजीकरण संख्या, पक्षकार का नाम और उसके बाद पक्षकार का पता, संपत्ति का विवरण, खासरा मानक नाटा संख्या, पंजीकरण तिथि, लेखपाल विवरण, पूर्ण विवरण देखे और स्कैंड लेखपत्र देखे। मतलब आप यहाँ पर आपने जो भी स्कैन किया है, जो भी आपने इस पर लगाया है वो सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिखा देगी। तो सबसे पहले हम पूर्ण विवरण देखे पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको चयन पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप चयन पर क्लिक करते हो तो जो भी ये संपत्ति के डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर विक्रय पत्र, संपत्ति की स्थिति, संपत्ति का विवरण, पक्ष विवरण, यहाँ पर आपको द्वितीय गवाह गोहा जो भी आपके लिए साक्षीदार है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद ये कितने में खरीदी, उसका बाजार मूल्य क्या है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसी तरह से आप अपनी संपत्ति की जो डिटेल है वो पूरी डिटेल यहाँ पर निकाल सकते हैं, अपने
प्लॉट के या घर की डिटेल यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपने जो भी अपलोड किया था, जो भी स्कैन किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड रहते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी स्टेट से रहते हो तो यहाँ पर आप इस तरह से इसे निकाल सकते हो। कुछ स्टेट में ऑनलाइन है, कुछ स्टेट में नहीं है, तो आप जो अपना जो भी स्टेट है उस पर देख लीजिए। अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, अगर नहीं हो तो वो नहीं दिखाई देगा। तो आप देख लीजिए एक बार आकर जो भी अपना स्टेट है, तो यहाँ पर आपको इसको निकालने के लिए IGRS उसके बाद अपना जो भी स्टेट है उस स्टेट का नाम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद देखिए आपको ये लिंक ओपन करना होगा, स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, आपको ये लिंक ओपन कर लेना होगा। जब कभी भी आप ये ओपन करना चाहिए उसी लिंक को ओपन करके उसी पर आपको देखना है, और उसके आगे gov.in आना चाहिए, मतलब वो वही गवर्नमेंट की वेबसाइट है और उसी से आप सर्च कर पाओगे। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कुछ भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।